आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनो संजना, आप ध्यान से सुनो। मैंने कविता लिखी है और मैंने अब तक वो कहीं भी नहीं सुनाई। मैं पहली बार जिंदगी में एक नई कविता आपको सुना के जा रहा हूँ। आप लोग अगर उसको पास कर दोगे तो मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ मेरे को बुलाते हैं, हालांकि इतना तो मैं जाता नहीं बार बार, क्योंकि लोग बोलते रहते हैं, बोला हम कल वहाँ न्यूजीलैंड में शो किया, कल हमने कलकत्ता में किया, कल हम यूएसए में गए, कल न्यू जर्सी गए। मैं ऐसी कोई भारतीय फोकस की बात नहीं करता, मैं तो यहाँ पे मेरे गाँव चोत का बरवाड़ा से आया हूँ। भगवान की कसम मैं वापिस भी वहीं जाऊंगा। अगर आप सुन लोगे, पास कर दोगे तो मैं हिंदुस्तान भर में सुनाऊंगा, वरना यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि कागज तो है ही नहीं, मेरे को फाड़ देंगे, डिलीट कर देंगे। ये मैं आपको थोड़ी सी टीप के सुनाऊंगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि आपको मेरी कविता एक दिल जले आशिक की कहानी है। दिल जले आशिक की कहानी आप सुनना, बस करना तू भेजना मेरे पास। खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था। शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए दो वक्त की रोटी जुटाएगा, तुम्हारी औकात नहीं है ऐसा करने की। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए दो वक्त की रोटी जुटाएगा। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डेड को स्वीकार नहीं है। भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है, कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है। भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है, कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है। पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ दहलीज की वो रात आ गई, फिर यूं हुआ कि जहर की रात आ गई। दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई, अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। उसके सिवाय कोई भी परछाई नहीं थी, मेरी थी मेरी जान पराई भी नहीं थी। उसके सिवाय कोई भी परछाई नहीं थी, मेरी की मेरी जान पराई भी नहीं थी। जिसके लिए हम टिफिन में रखते थे चॉकलेट, होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज।